भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छा लगता है जब मूवीज में आता है, क्योंकि यार वहां पर अलग अलग पहलू बताए जाते हैं जिससे यार वो कांड हुआ है। तो आज के वीडियो में ऐसी ही बात करने वाले हैं पांच साउथ की मूवीज जो यार भाई थ्रिलर और सस्पेंस पे बेस्ड होने वाली हैं। और भाई साहब क्राइम इस लेवल पर हुआ है कि सोच नहीं सकते। बस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है और मैं जहां बोलूं वहां पर जाकर इन मूवीज को देख लेना है। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर पांच पर आती है थीटम इरादु। 2021 में रिलीज की गई एक बेहतरीन सबसे बेस्ट थ्रिलर मूवी में से एक है। 7.1 की रेटिंग दी गई है। ऐश्वर्या नजर आने वाली हैं जो एक पुलिस ऑफिसर हैं, और इस मूवी को सबसे पहले आप लोग देख सकते हो सोनी लिप पर। हिंदी में देख सकते हो नहीं, ये आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की जिसकी एक सहेली है गुमशुदा हो चुकी है। अब उसकी रिसर्च के लिए आखिर किसने गुमशुदा किया ये जानने के लिए वो केस को आगे बढ़ाती है। फिर क्या होता है वो जानने के लिए सोनी लिप पर हिंदी में नहीं है, बस सबटाइटल के साथ देख सकते हो। बहुत ही सस्पेंस मूवी है। नंबर चार पर आती है, ये है थोड़ी सी पुरानी बट यार अभी तक भी इस टॉप क्लास मूवी को किसी ने बीट नहीं किया है। ये है सूर्यभाम। 2014 में रिलीज की गई थी, मिस्ट्री थ्रिलर पर बेस्ड है, जिसकी रेटिंग है 7.1 की, जिसमें आप लोगों को नवीन सर नजर आएंगे। यूट्यूब पर हिंदी डब में देख सकते हो। अब सबसे पहले कहानी की बात करूं तो कहानी है एक इंडस्ट्रियल आदमी की जो यार भाई बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन भाई एक ऐसे केस में फंस जाता है जिसके बाद उसकी मौत की बात आ जाती है। अब यार भाई क्या होने वाला है क्या नहीं जानने के लिए मूवी जरूर ट्राई करना, मजा आएगा। नंबर तीन पर आती है इरुधी पक्कम। इरुधी पक्कम यार एक ऐसी बेहतरीन मूवी है जो 2021 में रिलीज की गई थी, थ्रिलर और मिस्ट्री पर बेस्ड है। 6.7 की रेटिंग दी गई है। कहानी एक परिवार की जिन्होंने यार भाई एक ऐसा कांड किया है जिसको छुपाने के लिए ये लोग कुछ और करना चाहते हैं। अब उस कांड को छुपाने के लिए और बहुत कुछ कांड करते हैं, फिर एंड में फंसते हैं नहीं पुलिस वालों के बाद, ये देखना है। प्राइम वीडियो पर देख सकते हो हिंदी सबटाइटल के साथ, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, लेकिन यार इसका जो लैंग्वेज है वो यार ओरिजिनल है, यानी दोस्तों तमिल मूवी है, तो आप लोगों को देख लेना है। அடையாளம் தெரியாத நாம இதுவரைக்கும் சந்திக்காத யாரையும் தெரியப்படுமா? இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் 2020 में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मूवी आई थी, ये है वेलकम होम। और जिसने भी इस मूवी को देखा था दो दिन तक सोया नहीं था। तो मूवी का कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक था कि आप लोग भी डर जाओगे। तो इस मूवी को सोनी लिप पर रिलीज किया गया था, हिंदी में देख सकते हो। थ्रिलर हॉरर पर बेस्ड है, 7.4 की रेटिंग दी गई है। तो कहानी है यार एक घर की जो एक जंगल में है, वहां पर कुछ लोग आए हैं रिसर्च या फिर दोस्तों जानकारी के लिए, और वो दोनों भी यहां पर फंस जाते हैं। फिर जो होने वाला है, जो आप लोग देखने वाले हो, आपको यकीन नहीं होगा। आप लोग देखो यार जाकर कहां पर, सोनी लिप पर। नंबर एक पर आती है भाई साहब, ये है वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो मुझे लगी, वो है पोर्ट थोजिल। 2023 में रिलीज की गई एक थ्रिलर और एक्शन मूवी है। 8 out of 10 की रेटिंग दी गई है। कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे केस से जो यार अजीबोगरीब तरीके से हुआ है। अब यार मैं नाम नहीं ले सकता, तो यार यहाँ पर दो पुलिस वालों को तहकीकात किया जाता है उस केस के लिए और इन्वेस्टिगेशन उनको सौंपा जाता है। अब यार इसमें से क्या होने वाला है, आखिर किसने ये कांड किया, ये जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। यकीनन मूवी आप लोगों को बांध कर रखती है अपने कॉन्सेप्ट के कारण। हिंदी डब में सोनी लिप पर देख सकते हो भाई लोग। Cause of death, asphyxiation due to strangulation, fingerprints, नाखून, बाल। तो बस यार आप लोग कमेंट करो इनमें से किस मूवी को आपने देख रखा है और किस मूवी को नहीं, और जिस मूवी को नहीं देख रखा मैंने जहां पर बोला है वहां पर जाकर ट्राई जरूर करना, आप लोगों को मजा आ जाएगा भाई लोग।